नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका मोहित टेक्निकल साइट पर। आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इग्नू स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, उनके रिजल्ट से रिगार्डिंग है, उनके एग्जाम अपडेट से रिगार्डिंग है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरे जोर से देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इग्नू के जो टर्म एंड दिसंबर के रिजल्ट के बारे में। जो उनका जो दिसंबर का जो रिजल्ट है वो 6 जुलाई को जो है अपडेट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन भी बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था टर्म एंड दिसंबर का रिजल्ट जो है, वो अपना रिजल्ट जरूर से जाके चेकआउट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर डालकर और सबमिट कर आप यहाँ पर अपना रिजल्ट जरूर से देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप जरूर से चेकआउट करना। ऐसे ही अगली अपडेट आपके रिएवोल्यूशन रिजल्ट्स के बारे में। दिसंबर का 2020 का जिन्होंने भी रिएवोल्यूशन रिजल्ट के लिए अप्लाई कर रखा था उनके लिए भी रिजल्ट आ चुका है। 7 जुलाई की अपडेट है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिनका भी रिजल्ट अभी रिएवोल्यूशन का नहीं आया था उनका भी आ चुका है, अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के यहाँ पर सबमिट करके वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना। और अगली अपडेट है आपके असाइनमेंट से रिलेटेड। जिन भी बच्चों ने अपने असाइनमेंट सबमिट करे थे जून एग्जाम के लिए, उनका असाइनमेंट स्टेटस आ चुका है, तो अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के अपना प्रोग्राम कोड डालकर यहाँ पर आप जरूर से सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो है असाइनमेंट का स्टेटस निकल कर आ जाएगा कि आपका सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। कोई भी दिक्कत आती है आप जरूर से अपने रीजनल सेंटर की मेल आईडी पर जाकर मेल करें और कंप्लेंट करें कि अभी आपके जो है मार्क्स अपडेट नहीं किए गए, तो आप जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये आपकी अगली अपडेट जो है इग्नू की तरफ से, इसमें जो लिखा गया है कि अगर आपको एडमिशन लेना है, जिन भी बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है इग्नू में, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते थे इग्नू में, उनके लिए जो है लास्ट डेट जो है 15 जुलाई कर दी गई है। 15 जुलाई तक वो अपने एडमिशन ले सकते हैं इग्नू में, लेकिन जहां तक मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसकी डेट जो है एक्सटेंड होने वाली है, क्योंकि अभी तक क्लास 10th और 12th का जो रिजल्ट है ना CBSE की तरफ से ना NOS की तरफ से किसी की भी तरफ से अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कोई सी भी स्टेट की तरफ से। तो इग्नू में एडमिशन पाने के लिए क्लास 12th का रिजल्ट होना बहुत जरूरी है, तो इसी हिसाब से अभी आपको जो है इसकी डेट एक्सटेंड करती हुई मिल जाएगी, अगस्त तक जाएगी, मिड अगस्त तक जाएगी, जब तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं हो जाता। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं, अभी तक जिन भी बच्चों ने अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं करा है वो अपना एग्जाम फॉर्म जरूर से जाकर सबमिट करें। कल लास्ट डेट है 9 जुलाई को, 9 जुलाई से पहले पहले अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट करें और उन्हीं को जो है एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा जिन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट कराया, और उन्हीं को प्रमोशन मिलने वाला है जिन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट कराया। तो अपना असाइनमेंट, प्री रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म जरूर से सबमिट करें। और जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जून बच्चों के जो एग्जाम से रिलेटेड है, जिन भी बच्चों का एग्जाम जो है जून में था, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाली है आगे के लिए। जैसी इग्नू की तरफ से कोई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत से प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।